ऑल इंडिया BSNL पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट ब्रांच SSA नागपुर के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने एकत्रित होकर नागपुर के संविधान चौक स्थित BSNL कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार से अपनी पेंशन रिविजन करने की मांग की। साथ ही हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज से बात करते हुए BSNL के जो पेंशनर्स हैं उन्होंने अपनी मांगे बताई। आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर BSNL के पेंशनर्स की क्या क्या मांगे है। RH मिटकरी, मैं महाराष्ट्र सर्कल का प्रेसिडेंट हूँ, ऑल इंडिया BSNL पेंशनर्स एसोसिएशन करके। ये हमारी ऑल इंडिया लेवल की पेंशनर्स एसोसिएशन है। इसमें BSNL और DOT के रिटायर्ड लोग इसके मेंबर है। करीबन ऑल इंडिया में 70,000 के ऊपर मेंबरशिप है हमारी। हमारे जो ये जो BSNL और DOT है, इनका एक स्पेशल रिश्ता ऐसा है कि हम लोग DOT में से BSNL PSU में अफसर हुए थे, इसलिए हम BSNL से रिटायर्ड हो गए। पर हमारा जो पेंशन है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सिविल एस्टिमेट से हमारे को पेंशन दिया जाता है। इसलिए हमारा जो अभी 7th पे कमीशन हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, उसके मुताबिक हमको पेंशन रिवीजन करना चाहिए, ऐसा हमारा डिमांड, ऐसी हमारी डिमांड है। मगर ये डिमांड गवर्नमेंट अभी मंजूर नहीं किया। अभी 6 साल हो रहे हैं हमारे को, 1/1/17 से उन्होंने पेंशन रिवीजन देना है। और पेंशन रिवीजन देने के लिए इसमें दो प्रवाह है। एक प्रवाह ऐसा है कि 7th पे कमीशन के मुताबिक 32% बेसिक फिटमेंट चार्ज दे के हमको करना है। तो उसके मुताबिक कैलकुलेशन ऐसा आता है कि 100 रुपये बेसिक पेंशन पकड़ा तो उस पर 119.5% ये हमारा इंडस्ट्रियल DA आता है, रिलीफ आता है, और उसके ऊपर 32 रुपये फिटमेंट, ऐसा करके 2.515 ये हमारा कोएफिशिएंट आता है। मुझे सपोज आपका 10,000 रुपये बेसिक पेंशन होगा तो उसको 2.515 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो अपना फ्रेश पेंशन होना, ये हमारी खास डिमांड है। और ये अभी तक आपने कहाँ निवेदन दिया है और किस प्रकार से आपको आश्वासन? अभी तक है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्स हो, उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर एंड ग्रीवेंसेस, ये तीनों मिनिस्ट्री के साथ में हमने ले लिया है। हमारे CHQ के विशाखापट्टनम और मद्रास के जो कार्यकर्ता है वो बार बार वहाँ पर गए, मीटिंग ले, ये डिमांड कैसी है ये समझा के दिया है। और इसमें एक विशेषता ऐसी है कि जब हम लोग नौकरी में थे उस टाइम पे हमारा 23% पेंशन कंट्रीब्यूशन BSNL कंपनी के तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जमा किया है। तो जो हमारे को जो पेंशन का दे रहे या पेंशन का बढ़ावा देना है, इस पर गवर्नमेंट के तिजोरी पे डायरेक्ट कोई असर होने वाला नहीं है। मगर ये कुछ लोगों की ईगो प्रॉब्लम हो गई है DOT में कि वो जानबूझ के नहीं चाह रहे हमारा ये इशू सेटल करना है। और इसके लिए अभी ये गए महीने में भी हमने पहले निदर्शन किया, आज धरना कार्यक्रम है और अगले फरवरी में भी और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, मार्च में बड़ा कार्यक्रम होगा। और हम आशा करते हैं कि इस आज के ये धरना आयोजन से गवर्नमेंट के DOT के और DOPT के कान पर कुछ तो भी जो रेगेंगी और हमारे ये पेंशनर जो रास्ते पे उतरे हैं ये आशा करते हैं। अब विश्राम किया तो हमारा हर पेंशनर 60 साल को रिटायर हुआ है, 70 साल के ऊपर के लोग हैं, 6 साल हो गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के 7th पे कमीशन को होके, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट कोई इसको सॉल्यूशन सुलझाने के लिए तैयार नहीं हो रहा। जब निवेदन दिया तो उस पर उनका रिएक्शन क्या था, उनका क्या जवाब आया? पहले तो जो DOT के ऑफिसर्स है वो टालमटोल करते रहे, कुछ बोलते हैं कि पेंशन रिविजन ये पे रिवीजन पर डिपेंड रहेगा, मतलब BSNL के जो वर्किंग एम्प्लॉयज है उनका पे रिवीजन पहले होगा और फिर पेंशन रिवीजन होगा। और हमारा कहना ऐसा है कि BSNL घाटे में चल रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी एक क्लॉज है 3rd PRC के लिए, तो आप ये 3rd PRC का छोड़ दीजिए, हमारा पेंशन गवर्नमेंट अकाउंट हेड नंबर 207 से दे रहे हैं, अकाउंट
मेजर हेड जो है वो 207 मैंने सिविल एस्टिमेट का उसमें से दे रहे हैं, और गवर्नमेंट ने हमारा पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन BSS वसूल किया है, तो पे रिविजन से हमारा डायरेक्ट कोई नाता नहीं है। गवर्नमेंट ने हमको डायरेक्ट पेंशन का रिविजन करके हम जो मांग रहे हैं 7 पेंशन फिटमेंट के मुताबिक उस मुताबिक देना है। तो न्याय प्रणाली भी है काफ़ी इसमें, तो आपने वहाँ पे भी आवाज़ नहीं उठाई? हाँ, जो प्रिंसिपल बेंच है कैट का दिल्ली में, उसमें हमने ऑलरेडी केस दायर कर लिया है, मगर वहाँ पर तारीख पे तारीख चल रही है। जी, अभी जो ये धरना आंदोलन आप कर रहे हैं, अगर इसमें सरकार नहीं जागती है या आपको न्याय नहीं मिलता है, तो आगे आप किस प्रकार से कार्रवाई करें? फिर अगले स्टेज पर हम भूख हड़ताल का कार्यक्रम करेंगे। मोदी सरकार तुमको देना होगा लेके रहेंगे हम रहेंगे। ऐसी ताजा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।